हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि रशिया एक काफी पावरफुल कंट्री है। रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स काफी एडवांस्ड और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स माने जाते हैं। इंडिया ने भी रशिया से अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट लिए हुए हैं। रशिया के डिफेंस वेपन्स और एयरक्राफ्ट की एक्सीलेंट रेंज में रशिया ने अब एक और हेलीकॉप्टर अपनी फोर्स में ऐड कर लिया है। यूक्रेन के साथ वॉर के चलते रशिया ने पहली बार अपने Mi-35 हिंद हेलीकॉप्टर के सबसे एडवांस्ड वर्जन को पब्लिक कर दिया है। रशिया के 5 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में कंडक्टेड एक मैसिव वॉर एक्सरसाइज के दौरान इस रशियन हेलीकॉप्टर ने अपने ऐसे स्किल्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज दिखाई जो दुनिया की कोई भी कंट्री का हेलीकॉप्टर मैच नहीं कर सकता। Mi-35 हिंद के इस एडवांस्ड वर्जन के हेलीकॉप्टर ने रशियन सोल्जर्स को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इवैक्यूएशन के मामले में भी एक बड़ा रोल निभाया। वैसे तो बाकी देशों के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी एक वैरायटी ऑफ हैवी मशीनरी सिस्टम्स और दूसरे इक्विपमेंट से इक्विप्ड होते हैं, पर एक अटैक हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी उनमें किसी तीसरे सोल्जर के बैठने की जगह नहीं होती। स्पेस की शॉर्टेज होने की वजह से उनमें सिर्फ 200 सोल्जर्स ही अकोमोडेट हो पाते हैं। पर रशिया का यह एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर वर्ल्ड के हैवीएस्ट अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है और बाकी सभी अटैक हेलीकॉप्टर से एकदम ऑपोजिट है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के पास भी 2 ऑपरेशनल Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं, पर वह रशिया के इस मॉडर्न और एडवांस्ड Mi-35 हिंद से काफी पुराने हैं। रशिया ने अपने एडवांस्ड Mi-35 हेलीकॉप्टर की एक वीडियो रिलीज करी है जिसमें पहले के हिंद वेरिएंट्स के मुकाबले वह हर तरह से अपग्रेडेड है। अगर इसके अपग्रेडेशन के बारे में बात करें तो इसमें एक मॉडर्न ग्लास कॉकपिट और उसके साथ नाइट विजन गॉगल्स भी हैं। इसके साथ साथ नए Mi-35 के सेंसर्स भी अपग्रेड कर दिए गए हैं जिसकी मदद से अब वह आसानी से रात को भी डिफेंस ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड सेंसर्स, इंजन और ट्रांसमिशन हेलीकॉप्टर को ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए अनेबल करेगा। सिर्फ रात के टाइम ही नहीं बल्कि अब यह हेलीकॉप्टर डेजर्ट जैसे एरियाज के एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट और माउंटेनियस रीजंस के एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब अगर हम हेलीकॉप्टर्स के इंटरनल स्पेस की बात करें तो इसमें 8 फुली आर्म्ड सोल्जर्स कैरी करने की कैपेसिटी है। सिर्फ यही नहीं, हेलीकॉप्टर में इतनी स्पेस है कि उसमें 4 स्ट्रेचर्स तक भी रखे जा सकते हैं। इसकी इसी कैपेबिलिटी की वजह से Mi-35 हेलीकॉप्टर अब सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने में, उनको वॉर जोन से बाहर निकालने में और सबसे जरूरी किसी वॉर के बीच में इंजर्ड सोल्जर्स को भी स्ट्रेचर की मदद से हॉस्पिटल लेकर जाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा भी Mi-35 हिंद के एडवांस्ड वर्जन में इमेंस कैपेबिलिटीज है जिसको वर्ल्ड का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।